गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाबा। और आज का दिन का शुरुआत हो चुका है, टाइम हो चुका है लगभग 9:30। और अभी का प्लान है, आज का प्लान है, अभी मैं यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर देखते हैं लाबा में और अगल बगल में कहाँ पे जो कि टूरिस्ट प्लेसेस है और साथ में साइट सीइंग जगह है वहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद में डायरेक्टली डेलो के लिए निकलूँगा। और देखिए, ये जो है बस स्टैंड, यहाँ पे स्टैंड है लाबा का। और वो देखिए आप, यहाँ पर भी काफ़ी सारा होटल्स वगैरह है ये। और अभी मैं रुका हूँ देविका होम स्टे में रुका हूँ। और सस्ता रूम भी काफ़ी सस्ता पड़ा, अफोर्डेबल लगा। और खाना भी मैंने खाया, चिकन राइस, वो भी अफोर्डेबल ही था, ठीक ही था। तो यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद में मिलते हैं दूसरी जगह पे और थोड़ा घूमने का कोशिश करते हैं, लाभा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं गाइस। सो बिन द ब्लॉग्स। तो गाइस, अभी यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ लाबा से। और यहाँ का वेदर जो है ना, काफ़ी सुहाना होके रखा है। और कभी धूप आ जाता है, कभी एकदम पूरा धुंधला सा हो जाता है, फॉगी आ जाता है। तो अभी मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ये होटल में रुका था, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मेरा सब सेट हो चुका है, अभी सिर्फ हेलमेट पहनना है, गोप्रो को अटैच करना है, उसके बाद में चलना है। तो एक ही बार में मिलते हैं रास्ते पे और इन्जॉय कीजिएगा। और लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोग ने देखा कि मैं किस तरीके से गोरुबथान होते हुए मैं आया, और इस वाले ब्लॉग में आप लोग को एकदम एडवेंचरस चीज़ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग पे और अंत तक देखे गाइस। तो रास्ते पे मिलते गाइस। अच्छा दादा, यहाँ सो गाइस, लाबा छोड़ने का टाइम आ चुका है। और लाबा से अभी हम लोग क्या, मैं निकल रहा हूँ और उस रास्ते से आए थे, अभी इस रास्ते से जाना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, पूरा पाइन ट्री है, कभी इधर पे धूप आता है, कभी एकदम पूरा अंधकार हो जाता है, कभी फॉग आ जाता है। तो एकदम पूरा देखिए आप, पूरा पाइन ट्री से भरा हुआ है ये लाबा। और वो होटल वाले भैया से मैंने बात किया कि इधर उधर काफ़ी सारा देखने का जगह तो है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और लाबा के लिए तो अलग सा एक स्पेशली लाबा के लिए ब्लॉग बनेगा, लेकिन मेरा आज मेन टारगेट जो है ना, टारगेट जो है कालिम्पोंग का एक बहुत बड़ा एडवेंचर करने को, तो इसीलिए मैंने फ़ोन भी कर लिया ऑलरेडी उधर पे। और देखिए, मेरा जो फ्यूल भी है कम हो चुका है, ये 1:1 ही बचा हुआ है। तो कालिम्पोंग में जाके मैं डायरेक्टली भरूंगा, क्योंकि इधर पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह नहीं था। लाबा जो है, मुझे जैसे कि देखने पे मुझे पता चल रहा है कि ये एक पाइन ट्रीज़ का पूरा एकदम फॉरेस्ट है। इधर पे बहुत बड़ा पाइन ट्रीज़ का फॉरेस्ट है, देखिए जहाँ पर भी देखे पाइन ट्रीज़। और बहुत बड़ा ये फॉरेस्ट रेंज है गाइस। तो फिर लाबा ना, आप दो रास्ते से आप जा सकते हैं, एक तो आप डुअर्स होके, एक तो आप कालिम्पोंग होके। तो अभी मैं आया डुअर्स होके, जो कि गोरुबथान होके आया। तो पहले तो बागपुल के बाद में फिर जो भी है माल बाज़ार से आगे डामडिम के लेफ्ट लेने से गोरुबथान के बाद में आपको लाबा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी लाबा से मैं निकल रहा हूँ, तो ये अलगाड़ा होते हुए मैं फिर कालिम्पोंग जाऊँगा। कालिम्पोंग में डेलू व्यू पॉइंट जो है, वहाँ पर जाके थोड़ा एक अच्छा सा एडवेंचरस चीज़ जो कि है पैराग्लाइडिंग गाइस। अभी मैंने बता ही दिया, आप लोग ने कमेंट नहीं किया इसलिए मैंने बता दिया, पैराग्लाइडिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो लाइफ का मेरा वो पहला पैराग्लाइडिंग होगा गाइस। और मैंने बात भी कर लिया उससे कि क्या है, नहीं है, कितना बजे तक आना है, कितना बजे से ओपन होता है, वो सब बात कर लिया। तो वो मेरे को अच्छा डील देगा बोल के वो बताया मेरे को। तो उसके बाद में आफ्टर पैराग्लाइडिंग डन, उसके बाद में मुझे निकलना है त्रिवेणी के लिए। त्रिवेणी तक रहेगा आज का मेरा डेस्टिनेशन। और कल का देखते हैं, कल शिवरात्रि भी है, तो कल देखते हैं डायरेक्ट घर जाते हैं वहाँ से या दार्जिलिंग जाते हैं। तो सोच तो रहा हूँ दार्जिलिंग जाके दार्जिलिंग में सनराइज़ का व्यू भी आप लोग को दिखाने का सोच रहा हूँ। फिर भी देखते टाइम मिलता है तो दार्जिलिंग भी होके आएंगे, वहाँ पर भी केवल कार है, केवल कार का भी इंजॉय करेंगे। सो गाइस, देखिए यहाँ पे बढ़िया सा लेक जो कि झील बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं
शायद ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है इसलिए जाना मना ही है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने से, और शायद बोटिंग वगैरह भी होता होगा यहाँ पे, या होता नहीं है क्या, उतना आइडिया है नहीं मुझे, क्योंकि इस इधर पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। आप गोप्रो पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखिए अभी देखिए, तो जो भी है चलिए यहाँ से लगभग डेलो व्यू पॉइंट ना करीबन कितना 10 किलोमीटर करीबन है, तो मुझे कालिम्पोंग डायरेक्टली नहीं जाना है, तो डेलो की ओर जाना, सॉरी हाँ डेलो व्यू पॉइंट की ओर जाना है, जहाँ पे मुझे करना है पैराग्लाइडिंग। व्हाट, क्या क्या दोस्तों, पैराग्लाइडिंग? तो पैराग्लाइडिंग, जो कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि पैराग्लाइडिंग करने में, और मौसम भी ठीक ठाक ही है। अरे ये देखिए, वाह, यही होगा अलगड़ा, दिस इज़ द अलगड़ा। आप चाहो ना गाइज तो नॉर्थ बंगाली आप पूरा एकदम दिखा सकते हो, पूरा अपने व्यूअर्स को नॉर्थ बंगाली पूरा दिखा सकते हो, घूम सकते हो। इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया चलो इस बार नॉर्थ बंगाली घूम लेते हैं, दार्जिलिंग कालिम्पोंग ही घूम लेते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है अलगड़ा, थोड़ा आगे जाके देखते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी मिलेगा मुझे, ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट, फास्टिंग को ब्रेक कर लेते हैं इसीलिए ब्रेकफास्ट कहते हैं। लेकिन एक भी दुकान नहीं दिखाई देते हुए, चलो आगे जाके देखते हैं कि व्यू पॉइंट वगैरह है वहीं पर। अगर मैं खाने की कोशिश करता हूँ, एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है। आज मंडे, आज है मंडे, कल है ट्यूसडे। ले रास्ता जो है ना अलगड़ा से, रास्ता जो है थोड़ा बहुत खराब दिखाई देते हुए, फिर भी कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा पाइन ट्रीज देखना बंद हो गया है। और गाइस ये जो देखिए, इस तरफ से मैं आया था अलगड़ा से, तो यहाँ पे दो रास्ता है, एक रास्ता जो कि डायरेक्टली कालिम्पोंग की ओर जाती है, और एक रास्ता जो है मेरे पीछे देख सकते, ये डेलो व्यू पॉइंट की ओर जाती है। तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर होगा डेलो व्यू पॉइंट, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह होता है, तो आज वहीं पर जाना है और इन्जॉय करना है पैराग्लाइडिंग का। तो गूगल गूगल दीदी बोल रही है कि यहाँ से राइट लेना है, तो फिर भी यहाँ से मैं कॉफ़ी नहीं पिया था, चाय नहीं पिया था, खाली पेट आया था, तो इसीलिए मैं यहाँ से चाय पीने के बाद में फिर निकलूँगा और मिलता हूँ आपको एक ही बार में डेलो। सो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा डेलो व्यू पॉइंट, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, काफ़ी एक्साइटेड, और मौसम भी क्लियर है अभी, तो इसीलिए क्लियर मौसम की वजह से मैं ये जो है ना काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जो डेलो व्यू पॉइंट में, और यहाँ पे काउंटर पे मैंने जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर चुका हूँ, और उसके बाद में अभी मैं थोड़ी देर बाद में फ्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये रास्ता जो कि छोटा सा एक रास्ता है, उस रास्ता होते हुए हम लोग को व्यू पॉइंट में जाना है, जहाँ पे जाके अभी फ्लाई होगा। तो मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद में अपना जो है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि पैराग्लाइडिंग का, वो लेने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं पैराग्लाइडिंग करने को, तो एकदम अच्छे रीजनेबल रेट में आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटा सा काउंटर बना हुआ है, मैंने पहले से कांटेक्ट कर लिया था, तो अच्छा खासा मुझे डील मिला। फिर भी आप लोग भी वैसे चाहते हैं, ग्रुप में चाहते हैं, तो शायद और भी आप डील मिल सकता आपको। और ये थोड़ा ऊपर है, जहाँ से आप टेकअप करने से थोड़ा नीचे है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में जाके मैं फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वीडियो पर बने रहिए। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ,
तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए यहाँ व्यू को, काफी अच्छी तरीके से मौसम भी अभी उबर के आ रहा है, तो गाइस बने रहे व्लॉग पे। सो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पे पूरा एकदम फ्लाई हो रहा है और वेदर जो है ना काफी हमारे फेवर में है, तो यहाँ का जो मेंबर्स है उसका कहना है कि आज का वेदर है काफी बढ़िया वेदर है, तो फ्लाई हो रहा है उधर पे, देखने में मतलब डर सा भी लग रहा है क्योंकि ये लाइफ का फर्स्ट पैराग्लाइडिंग है, लेकिन फिर भी जो है ना एडवेंचरस चीज करने में यही मजा है, डर भी लगता है जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कैंपिंग किया था वो भी सोलो, आपने देखे होंगे बहुत सारे ने मेरे को पूछा कि आप कैसे कर लिए वो, लेकिन होता है ना एक क्या बोलते हैं उसको, शौक पूरा करना, जुनून जो होता है वो जुनून के कारण से मैं वो पूरा कर पाया। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जो कि फ्लाइंग पॉइंट पे, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मेरे साथ में भाई है राज भाई, राज भाई है हमारे साथ में, तो राज भाई थोड़ा बता दीजिए आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो अभी 2-3 महीने हुआ। अच्छा 2-3 महीना हुआ, तो आप भी फ्लाई कर रहे होंगे? एक बार किए, दो बार किए। कैसा लगता है पहले करने से? पहले मेरे को तो डर लगता था, मेरे को एक्रोफोबिया था। एक्रोफोबिया, अच्छा मतलब हाइट से वो डर लगता है जिसको? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने दोस्त ने जबरदस्ती किया, चलो चला। अच्छा तो उसके बाद में फिर, अच्छा टेकअप के समय में डर लगता है या पहले मतलब वो जब हवा में होते हैं तभी डर लगता है? नहीं वो तो अपने पे डिपेंड है, मेरे को हाइट से ही डर लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो राज भाई बोल रहे हैं कि उसको एक्रोफोबिया था, अभी भी है शायद, तो उसको हाइट से काफ़ी डर लगता है अभी भी, लेकिन फिर भी उसने कर पाया, तो हम लोग तो कर ही पाए, हम मैं भी कर तो पाऊंगा ही। नहीं ऊपर जाके तो वो सब डर भाग जाएगा। अच्छा अच्छा ऊपर ना, कहीं फिर प्रधान ब्लॉक फैमिली भी वायरल ना हो जाए, वो एक वाला वायरल वाला नहीं था वैसा वायरल ना हो जाए। तो गाइस ये जो पार्टिकुलरली जो वीडियो है ना जो कि टेकऑफ से लेके लैंडिंग तक का वीडियो अलग सा बनेगा, जिसमें मेरा तो सांस फूलने लगा है अभी से, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना उधर पे फिर जाके ना। तो मैं कह रहा था आप लोग को कि जो पैराग्लाइडिंग का जो वीडियो फुटेज है, जो वीडियो है सेपरेटली बनेगा। मैं कह रहा था आप लोग को जितना भी एपिसोड बन रहा है, ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद में मैं अलग सा वीडियो बना के डालूँगा इसको, तो ये एपिसोड भी मिस मत कीजिए, और साथ में ये जो पैराग्लाइडिंग का जो वीडियो है ये भी मत मिस कीजिए गाइस, बने रहे चैनल पे, मिलते हैं फ्लाइंग स्पॉट पे। अभी पहुंच गए हम लोग पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पायलट हैं और जो कि पैराशूट को बना रहा है, और हवा भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है, साथ में जो सनलाइट है काफ़ी अच्छी तरीके से उबर के आ रहा है हमारे चेहरे पे, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये इस वक्त मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग को बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो मैं फीलिंग्स शेयर कर नहीं पा रहा हूँ गाइस। हाँ, तो देखिए यहाँ का 360 व्यू, हमारा पायलट आ गया दोस्त, नाम क्या बताओगे? मेरा नाम शैलेन। शैलेन जी, सो शैलेन जी हमारे आज का पायलट है, वो मेरे को फ्लाई कराने वाले हैं। काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट, काफ़ी सारे एक्साइटमेंट है गाइस, लेकिन फिर भी ये जो एक्साइटमेंट में मैं आप लोग के एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लिए, मन बना लिए, तो फिर पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर भी जो ऊपर ना थोड़ी देर आगे मैंने देखा था एक जो है फ्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी एक शायद हजर मेरे लगे टेक ऑफ लेने वाला है एक, देखिए आप हवाले से अझै मजाको फ्लाई दिन्छ होला है। वाह देखिए गाइस ये पूरा टेक अप ले लिए, बकरा बनाइदे त कि ओदर भयो त मैले चस्मा लगाएर हो कि ओदरै छ ओदरै भयो है, तर यो घाम आउँदै जाँदै गर्छ नि त है, तपाईँहरू सबै पाइलट हो? यार हाम्रो कालिम्पोङमा पाइलटकै कमी नै छ है, पाइलटको कमी छैन है, आप लोग गेस्ट है? तो आप लोग भी पायलट ही है? अच्छा अच्छा, कहाँ आप, आपका घर कहाँ है वैसे? हम लोग वही हिमाचल से। हाँ हिमाचल से, अच्छा अच्छा भाई, 4-5 बहुत सारे ना? बहुत सारे हिमाचल से। अच्छा तो पूरा आप लोग को और भी एक्सपीरियंस पायलट,
और कोई एक्सपीरियंस है? अच्छा आप एक बात बताइए ना, हिमाचल और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ज्योग्राफिकली साइड में डिफरेंस है। ज्योग्राफी मतलब ये ज्यादा हाइट में है, हिमाचल ज्यादा हाइट में है, ये कहां। तो आप लोग को मतलब सुविधा मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहज कौन से में होता है उधर भी या इधर? यार भाई घूमने फिरने के लिए टाइम मिल रहा है अभी तो, बंदे मजे लेने के लिए निकल रहे हैं, जैसे बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब जगह सेम ही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हां सो गाइस अभी शायद के अरे तबे का नाम क्यों बोल रहे हो? साइलेंस साइलेंस जी देखिए यहां पर रेडी। अच्छा क्या ये करना है? पता ब्रो चलिए अभी मेरा टर्न आ रहा है, इतना लंबा क्यों है? डर भी लग रहा है गाइस, ये जो है ना पूरा एकदम जंग पे, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छेड़ रहा है ना, वैसे जंग पे जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। के करते थे यार। सो पूरा एकदम पूरा सेफ्टी मैटर्स, सेफ्टी भी जरूरी है। ये हेलमेट चाहिए ना मेरे से? सो हेलमेट भी है, हेलमेट आएगा। चलिए जंग पे जाने के लिए रेडी। प्रधान ब्लॉक फैमिली अभी जंग पे जा रहे हैं। याहू हिप्पी फुर्रे। ये देखिए दूसरा फ्लाइट रेडी हो रहा है। सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बनता सॉरी लगे बनता है ना, टेकअप तो हो नहीं, पैराशूट पैराग्लाइडर पैराग्लाइडर। ओके ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा यो चाहिँ मतलब उसको लागि रेस्टको लागि मजाले बस्नुको लागि मेन चिज त यो है। अच्छा अच्छा तपाईँको यो सब चाहिँ ए अच्छा त्यस्तै छ रेस्टको लागि। तो बने रहे ब्लॉग पे गाइस, काफ़ी डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है। तो एकदम पूरा हेलमेट वगैरह पहन के, ये देखिए दो फ्लाई हो रहा है उधर पे। दामी गाइस, दामी 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 के मजा आइरहेको है त्यो माथि। जेली पाइलट भन्नाले चाहिँ होइन, त्यो आफ्नो आफ्नो सोच हो, केटा न केटी डजन्ट म्याटर, हामीलाई त जस्ट एक्सपिरियन्स लिनुसँग मतलब छ होइन, केटीले गर्दा भाइरल हुन्थ्यो है। यो पनि कहिना सही है, अगर लेडी पाइलट होती तो सायद मे भाइरल नै होता, लेकिन लेडी पाइलट जरुर भाइरल होती। सो देखिए फ्लाइ बहुत बढिया से जा रहा है। आम्बो कस्तो अन्त गाइस टाइम आ गया, जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया। चलिए अभी जंग पे कता हो बॉडी वेट कति छ? बॉडी वेट 65 छ नि मेरो, मोटै छु नि। दा बिचने क्यामेरा छोड्छ हैन, एकिन हात यो छोड्दिन त क्यामेरा, यो यसमै छ नि त, हात हालौँ अर्को हालौँ एकछिन, हुन्छ रेडी हो रहे है। फाइनल चेक एकदम एकदम ब्यान्ड गर्नुहोस् तपाईँको ब्यान्ड भन्नाले कस्तो यस्तो? हजुर ओके गाइस, सो वी आर इन द एयर नाउ,
हाय अम्बो। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं और देखिए काफी बढ़िया व्यूज रहा, आपने वीडियो में देख लिए होंगे। और मुझे अभी तक ना ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसा मतलब हिल रहा है जैसा लग रहा है काफी। देखिए ये और एक लैंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा काफी काफी बढ़िया बढ़िया लैंडिंग, बढ़िया लैंडिंग। वाह। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आया हूँ डेलो पार्क में, जहाँ पे आई लव कालिंपोंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आया हूँ। मैंने सोचा था कि ये दूर है बोल के फिर से गियर अप होके आया हूँ, तो ये रहा आई लव कालिंपोंग का पार्क। तो मैंने यहाँ पे परमिशन भी ले लिया है ड्रोन फ्लाई का, तो यहाँ से मैं एक अच्छा सा ड्रोन फुटेज ले लेता हूँ और उसके बाद में आप लोग से मिलता हूँ गाइस। सो यहाँ से अभी निकलने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ से निकलते हैं और बाद में अभी त्रिवेणी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, रास्ते पे मिलते हैं एकदम एक ही बार में मोटो ब्लॉगिंग मोड में गाइस। ऑलराइट गाइस, मैं अभी पहुंचने वाला हूं जो टिस्टा बाज़ार, यहां से कुछ किलोमीटर के बाद में टिस्टा बाज़ार मिलेगा मुझे। और जो गैंगटॉक जाने वाले जो रोड है, सिक्किम जाने वाले रोड जो कि मल्ली, ये मल्ली रोड जो है वो हम लोग को मिलेगा सामने जाके। उधर पे खाया था थोड़ा बहुत कुछ फास्ट फूड, लेकिन अभी मुझे फिर से भूख लगना शुरू हो गया है। तो ये लोग तो मेरे से भी तूफान चला रहा है, नया एक्सपल्स लिया है इसीलिए शायद तूफान चल रहा होगा। देखिए वाह, क्या गोलाई बोलता है इसको मुझे उतना आइडिया है नहीं, लेकिन काफ़ी बढ़िया गोलाई है, दिखने में भी बढ़िया है। ये जो रास्ता है इधर से जाएंगे तो आप सिक्किम जा सकते हैं, और मुझे जाना है थोड़ी आगे जाके राइट टिस्टा बाज़ार होते हुए जाना है, त्रिवेणी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंचना है। तो गाइस, इससे अगले वाला ब्लॉग जो है ना, इससे अगले वाला वीडियो जो है ना, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। ये जो है सेकेंड एपिसोड, और ये सेकेंड एपिसोड आप लोग जिस तरीके से देखे होंगे तो तीसरा एपिसोड थर्ड एपिसोड भी उसी तरीके से इंजॉय करते हुए देखिए। लेकिन जो पैराग्लाइडिंग का जो स्पेशल वीडियो रहेगा वो सब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में अलग सा मैं आप लोग के लिए अलग सा दिखाऊंगा, तो वो वाले के लिए भी आप बने रहिए चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, और बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले।
तो इतना ही बस आज के लिए इतना ही गाइस, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पे।